अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं दोस्तों। आज मैं आपको जो हमारे सोलर इन्वर्टर, इसके अंदर मैं आपको प्लेटें लगाने का तरीका बताऊंगा कि आप इसके अंदर सोलर पैनल कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर दोस्त खुद लगाते हैं घरों के अंदर, तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, तो वो गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्वर्टर ख़राब होता है और काम भी सही नहीं करता। ठीक है, अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने 6 पैनल लगाने, 8 लगाने, 10 लगाने, सीरीज में लगाएं या पैरल में। आज मैं आपको इस वीडियो में सीरीज पैरल का भी बता देता हूं। ठीक है, आप वीडियो पूरी देखें, आज आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि सीरीज और पैरल कनेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक चार्ट के ऊपर ये बना के दिखाऊँगा। ठीक है, आपको इस पर समझ आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों उसको लाइक करना। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक मिसाल है हमारा जो लोकल इन्वर्टर होता है। ठीक है, मैं अभी लोकल इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो आजकल बहुत चल रहे हैं। इसको कम से कम आप वोल्ट देखें, मैं यहाँ पहले लिख दूँ लोकल इन्वर्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं लोकल इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। इसको जो हमारे वो कम से कम वोल्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, आप इसको वोल्ट दे सकते हैं 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट डीसी। ठीक है, डीसी वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, कम से कम वोल्ट, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा, ये कम से कम है। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा जो यहाँ पे मसला आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप इसको वोल्ट दे सकते हैं, या आप इसको 350 वोल्ट या 380 वोल्ट। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ऊपर आप वोल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब एक मिसाल है, आप 6 पैनल लगा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पैनल बना लूँ दोस्तों, ये बस आपको दिखाने के लिए एक बना रहा हूँ। ये 6 पैनल, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपने कैसे लगाने, पहले 6 पैनल की बात कर लूँ। ये दोस्तों इसकी नफ़ी, ये जमा, ये नफ़ी, ये जमा, ये नफ़ी, ये जमा, ये नफ़ी हो गई, ये जमा हो गई, सारों की। ठीक है, आपने क्या करना है, ये सारों की जमा नफ़ी को आपने ऐसे आपस में मिला देना है। ठीक है, ये आपकी एक यहाँ पे जमा बच जाएगी, यहाँ पे नफ़ी आपने इन्वर्टर के अंदर दे देनी आगे ब्रेकर लगा के। ठीक है, अब आपके पास हैं 8 प्लेटें, चलो मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये नफ़ी, ये जमा हो गई, ये नफ़ी, ये जमा। ठीक है, अब 8 को भी आपने सीरीज़ में कर देना। ये देखें दोस्तों, ये हमारी जमा आ गई। ठीक है, ये हमारी नफ़ी बन गई। अब जो हमारे इधर दोस्तों वोल्ट आएंगे 8 प्लेटों के, तकरीबन आपको यहाँ पे 350 भी मिल सकते हैं या 380 वोल्ट मिलेंगे। ये ठीक है बिल्कुल, ये आप इन्वर्टर को दे सकते हैं। ठीक है, ये आप इन्वर्टर को आराम से दे सकते हैं, आपने सारे सीरीज़ में लगाने, ये सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है, इसमें पैरल आपने नहीं करना। अच्छा, पैरल में होता क्या है मैं आपको आखिर में समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हमारे 585 वाट की जो प्लेट होती है, इसके वोल्ट जो होते हैं, ओपन सर्किट जो वोल्ट होते हैं, इसके तकरीबन 44 वोल्ट होते हैं या 45 वोल्ट होते हैं। ठीक है, जब ये लोड पर डालते हैं तो इसके वोल्ट 40 हो जाते हैं या 42 हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं धूप तेज़ होती हैं, तो ये आपको तकरीबन ओपन सर्किट वोल्ट, जब आप मीटर पे इसको चेक करेंगे बगैर लोड के, आपको 48 वोल्ट भी दिखाएगी। ठीक है, इसके अंपायर की बात करूं तो इसके तकरीबन 11 से 12 अंपायर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, अब देखें ये 8 प्लेटें मैंने बनाई है। ठीक है, इसको आपने सीरीज़, आपने जब 10 प्लेटें लगानी क्या करना है, आपने इन सबको सीरीज़ में करना है। अक्सर इलेक्ट्रीशियन मेरे से पूछते हैं कि हम 10 प्लेटें लगा रहे हैं, कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, ये देखें, ये 8 प्लेटें हो गई, ये हो गई हमारा जमा, ये हो गई नफी। अब आपकी जो 2 प्लेटें ये वाली बची हैं, ठीक है, ये 2 प्लेटें, ये इसका जमा, ये नफी, ये जमा, ये नफी। ठीक है, आपने इनको अलग से सीरीज़ में पहले मिलाना है। ठीक है, इसके साथ आपने गलती नहीं करनी, अगर आपने इसके साथ दे दिया तो इसके 500 या 500 से ऊपर वोल्ट जाएंगे, आपके जो इन्वर्टर के अंदर कैपेसिटर होंगे वो ब्लास्ट हो जाएंगे, नुकसान हो सकता है। आपने 8 प्लेटों को सीरीज़ में करके, 2 प्लेटों को सीरीज़ में करके, ये देखें, ये इसकी नफ़ी से आपने जोड़ देना है, ये इसकी जमा से जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारी जमा, ये नफ़ी। अच्छा, अब इधर होगा क्या दोस्तों, ये पैरल में चले गई,
हमारे इधर आ रहे थे 12 एम्पेयर, मैं साल बता रहा हूँ, ठीक है, आते भी यही हैं। अब हमारे बन गए 12 इसके, तो हमारे अब हो गए 24 एम्पेयर टोटल, ठीक है। अब हमें 24 एम्पेयर मिलेंगे, हमारा इन्वर्टर के एम्पेयर ज़्यादा हो, इन्वर्टर के अंदर एम्पेयर ज़्यादा जाएंगे तो हमारा एम्पेयर ज़्यादा एम्पेयर का लोड उठाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने 8 प्लेटें ये करनी है, 2 ऐसे करनी है, ठीक है। अगर आपके पास एक मिसाल है 12 प्लेटें, तो आपने क्या कर सकते हैं, आप 12 प्लेटों के अंदर ये भी कर सकते हैं। आपके पास अगर 12 प्लेटें तो आप क्या कर सकते हैं, 6 को आप पहले सीरीज़ में कर लें, 6 को फिर दूसरी सीरीज में, ये आपकी बन जाएंगी स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, अगर आपके पास एक मिसाल है 15 प्लेटें, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 प्लेटें बनाई, यहाँ पे लोगों को बड़ा मसला होता है, ठीक है। देखें, ये 8 को आपने सीरीज में करना है, जैसे मैंने बना दिया, टाइम की बचत से ये आपकी जमा नफी निकल गई, ठीक है। यहाँ से अब आपने इनको पहले सीरीज में करना है, ठीक है। ये देखें, मैं सीरीज में कर रहा हूँ, अब यहाँ हमारी एक जमा निकलेगी, यहाँ हमारी एक नफी निकलेगी। आपने इनको सीरीज में नहीं कर देना, ठीक है, नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपने क्या करना है, ये जमा जमा से मिला देनी है, ये नफी नफी से मिला देनी है। आपका ऐसे आराम से 15 प्लेटें लग जाएंगी, आपके जो है ना अम्पायर हो जाएंगे 24 अम्पायर हो जाएंगे, आपके वोल्ट वही रहेंगे 380 या 350, ठीक है। कनेक्शन दोस्तों आपने ऐसे करने, मैंने आपको सारा तफसील बता दी, ये बहुत आसान कनेक्शन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखें, और सीरीज पैरल का मैं आपको बता दूँ, लेकिन सीरीज इसको बोलते हैं, 2 प्लेटें इसकी जब हम जमा नफी को आपस में ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। तो ये पैरल कनेक्शन इसको बोलते हैं, ये जमा ये नफी, ये जमा ये नफी, जब जमा जमा को हम मिलाएंगे और नफी नफी को मिलाएंगे तो हमारे पैरल हो जाएंगे, यहाँ हमारे जो है ना अम्पायर बन जाएंगे 24, हमारे वोल्ट जो होंगे 45 रहेंगे सीरीज में, लेकिन ये होगा कि हमारे जो वोल्ट होंगे दोनों के 90 हो जाएंगे और अम्पायर हमारे 42, यानी सीरीज़ में वोल्ट हमेशा बढ़ते हैं, अम्पायर सेम रहते हैं। पैरल के अंदर आपके अम्पायर बढ़ेंगे और वोल्ट जो है ना कम हो जाएंगे, ठीक है, एक प्लेट के। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको मुकम्मल कनेक्शन समझ आ जाएँ। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।